हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर औसत। ठीक है, इसको एवरेज बोलते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, यूपी पुलिस एसआई के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला देखिए फॉर्मूला हमारा, जो बेसिकली फॉर्मूला है वो कहता है कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब जितनी भी आपके पास टोटल राशियां दी जाए उनको जोड़ लीजिए, फिर बटे में उनकी संख्या काउंट कर लीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप वन पे देखते हैं। टाइप फर्स्ट हमारा क्या कहता है, टाइप फर्स्ट पे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभय को गणित, हिंदी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 40, 50 एवं 60 अंक प्राप्त करता है, उसका औसत अंक निकालें। तो औसत अंक निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं 40, 50 और 60 को जोड़ लेना है। तो 40, 50, 60 को जोड़ लेंगे और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, तो तीनों को नीचे, तीन संख्याएं उसको नीचे लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे और 150 बटे 3 जोड़ने पे आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कमलेश ने एक क्रिकेट मैच के पहली पारी में 120 रन तथा दूसरी पारी में एक भी रन नहीं बनाया, तो दोनों पारी में उसका औसत क्या होगा। देखो, पहली पारी में कितने रन बनाए उसने, 120 रन। फिर उसने कितने बनाया दूसरी पारी में, 0। तो कितनी संख्याएं होंगी ये, 1 और 2, दो से डिवाइड कर देंगे, तो 120 प्लस 0 कितना होगा, 120 बटे 2 कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग टाइप सेकंड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।